हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पनीर की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की टिक्की। सबसे पहले पनीर को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, फिर पनीर को इसमें डालेंगे। बिल्कुल ही महीन है हमारा पनीर, तो चलिए इसमें हम प्याज डालते हैं जो हम बारीक काट लिए हैं। तो इसमें प्याज डालेंगे, फिर हम हरी मिर्च काटे हैं, बिल्कुल बारीक काटे हैं, तो इसको भी डालेंगे इसमें। शिमला मिर्च काटे हैं, ये भी बारीक काटे हैं, ये भी डालेंगे। अब टमाटर डालेंगे, ये भी हम बारीक काटे हैं। अब हम इसमें दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको भी हम महीन कर लिए हैं, तो अब इसको भी इसमें डालेंगे। आप हमने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसको भी महीन करके इसमें मिला रहे हैं। आप चाहें तो खाली पनीर का भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा होगा, भी स्वादिष्ट होगा। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, बीन्स से और स्वादिष्ट होगा। इसको क्या हो रहा है, ये देखिए हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये देखिए हम नमक डाल दिए इसमें। अब इसको मिला लेंगे, ये देखिए अच्छी तरह सब कुछ इसमें मिला लिए हैं। बीन्स हो तो भी मिला लीजिए, वो भी अच्छा होगा, टेस्टी होगा। तो चलिए इसे हम पनीर की टिक्की का शेप दे दें। तो सबसे पहले गोला बनाएंगे, फिर इसको हाथ पर थोड़ा सा इसको दबाएंगे, देखिए गोला बन गया। अब हमने पैन को चढ़ा लिया है, पैन गैस पर चढ़ा लिया है, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। आँच मीडियम ही रहेगा। अब इसमें अपना टिक्की डालेंगे, ऐसे ही करके सारे टिकिया इसमें डालेंगे। ये देखिए हमने सारे टिक्की को पलट लिया है, एक साइड से पूरा ब्राउन हो चुका है, अब दूसरे साइड का पक रहा है। तब इसे हम एक दो मिनट के लिए छोड़ते हैं और पक जाएगा। ये देखिए हमारा पनीर टिक्की तैयार हो गया है, बिल्कुल ही सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, शाम के नाश्ते में ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए हम निकाल लिए हैं, तो इसे आप सॉस के साथ या चिल्ली सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है मेरा नाश्ता। शाम के समय ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।